हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी एडवांस है। जो आप पहले से बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए है, या वो लोग जो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जैसे जो लोगों के अकाउंट वगैरह मैनेज करते हैं। मेरे पास पहले काफ़ी कॉल्स आई हैं कि हम मल्टी एपीआई पे काम करना चाहते हैं। वो किसी एक ब्रोकर के साथ चलते हैं पर उनके पास 50-50 क्लाइंट की एपीआई होती है, और वो चाहते हैं कि वो एक ऑर्डर डालें और 50 बंदों के ऑर्डर एक साथ लग जाएँ। तो मैं लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ आपको। जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ को ईजिली कर पाएंगे, या पहले से जो इस टाइप का काम कर रहे हैं वो ईजिली कर पाएंगे। अगर आप एज अ बिगनर हो तो काफ़ी एडवांस होगा, तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। और वैसे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद साइन अप कर लेना है अकाउंट के अंदर, और साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम शो होगा, आपको वन क्लिक करना है इस पर। जैसे आप वन क्लिक करोगे आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको अपने एपीआई डैशबोर्ड पे जाना है, जैसे मैं जा रहा हूँ एपीआई डैशबोर्ड पे। और यहाँ एपीआई डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखोगे बी जरोधा ए जरोधा, मतलब मेरे पास जरोधा का एक ही अकाउंट है पर मैंने उसकी एपीआई को दो बार कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास किसी यूज़र का अकाउंट नहीं है जिसमें मैं चेक कर सकूँ कि मल्टी ऑर्डर जा रहे हैं। उसी तरीके से फायर्स का बी फायर्स एंड ए फायर्स, मतलब मैं एक ऑर्डर लगाऊंगा दो ऑर्डर जाएंगे मेरे अकाउंट में। आपके पास ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अगर 5-7 एपीआई जो भी ऐड करते हो उनके अंदर सिंगल ऑर्डर में आपके ऑर्डर चले जाएंगे। बट ये अभी बीटा टेस्टिंग के अंदर है। जब ये पूरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हमें लगेगा तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एलेक्स ब्लू का बी और ए, ये मेरे पास दो अकाउंट है, एक यूज़र का अकाउंट मेरे पास है और एक मेरा अकाउंट है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। तो बस एक एलेक्स ब्लू है जिसके अंदर मेरे पास दो डिफरेंट अकाउंट है, बाकी जरोधा और फायर्स के अंदर मैंने सिंगल अकाउंट की दो एपीआई बना ली। मतलब मेरा जरोधा का एक अकाउंट है उसका ही मैंने दूसरी एपीआई बना ली, वैसे ही फायर्स की, और दोनों को मैंने इस तरीके से कर रखा है। और मैंने टाइम बचाने के लिए एपीआई पहले ही कनेक्ट कर रखी है। तो अगर आपको पता नहीं एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं तो आप देख लेना। डेली आपको एपीआई कनेक्ट करनी पड़ती है, जब भी आपके ऑर्डर जाते हैं कनेक्ट पे क्लिक करते हो देन आपके ऑर्डर जाते हैं। तो इस तरीके से करना है। अगर कोई यूज़र, जैसे एज अ एग्जांपल मेरे अंडर में 5 एपीआई है, मेरे पास फायर्स का अकाउंट है और मेरे पास 5 फायर्स अकाउंट की एपीआई है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो एक्टिवेट का बटन है आपको इसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि 5 में से जितने बंदों को आपको डीएक्टिवेट कर दोगे, यहाँ पर ये ग्रीन टाइप में नहीं आएगा, मैं अभी करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने पूरा सेटअप कर रखा है, और ये कनेक्ट गैप हो जाएगा, इट्स बीन कनेक्ट हाइड हो जाएगा, तो उन एक्सचेंज में ऑर्डर नहीं जाएंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी हम जो काम कर रहे हो मल्टी एपीआई पे काम कर रहे हैं। मैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे आ गया, और जैसे कि जानते हो कि रात के 9:20 हो रहे, कोई भी मार्केट ओपन नहीं है, खाली एमसीएक्स मार्केट ओपन है। तो एमसीएक्स मार्केट में हम ऑर्डर लगाएंगे। तो मैं क्रूड ऑयल का चार्ट खोल लेता हूँ। वैसे मैं इस चार्ट से भी ऑर्डर लगा सकता हूँ, क्रूड ऑयल का नहीं खोलता मैं, ऐसे करता हूँ, मैं यहीं से खोल लेता हूँ, तो आप किसी से भी लगा सकते हो। चलो मैं क्रूड ऑयल का खोल लेता हूँ, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता, तो मैं क्रूड मैंने क्रूड ऑयल का ये चार्ट फ्यूचर खोल लिया एंड इसके अंदर क्लिक करा एंड जून, हाँ मैं इस पे आ गया। तो मैं इधर कर लेता हूँ वन, आई थिंक मैं सही क्रूड ऑयल पे हूँ, जिस पे भी हूँ मुझे नहीं पता, पर मैंने एक क्रूड ऑयल का चार्ट खोल लिया। और चार्ट मैटर नहीं करता, मैं किसी भी चार्ट से ऑर्डर लगा सकता हूँ, आप अपने लिए कोई भी जो आपका जिस पे आप काम करना चाहते हो उसका चार्ट ओपन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने चार्ट खोल लिया, अकाउंट मैंने सारे कनेक्ट कर रखे हैं। आप कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करोगे, जो भी आप इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हो, मैं इंडिकेटर अप्लाई नहीं करूंगा, मैं खाली हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड खोल लेते हैं और एक सेंटेक्स का पेज खोल लेते हैं जिनकी हमें जरूरत होगी। मैंने दोनों चीज़ें खोल लिए। डैशबोर्ड से मैं यूआरएल कॉपी करके लाऊंगा, क्विक बॉक्स में जाओगे, थर्ड नंबर पे आपको वेबुक यूआरएल मिलेगा, आपको इसे कॉपी करना है। इसे कॉपी करते के साथ ही आपका यूआरएल कॉपी हो जाएगा एंड आपको अलर्ट्स में डालना है। ये आपका सेंटेक्स है। तो शुरुआत करते हैं हम एलेक्स ब्लू से। एलेक्स ब्लू का एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके अंदर ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं मार्केट बंद में भी, तो हम इसमें एक रिजेक्ट ऑर्डर लगाएंगे एसबीआई पे। तो हम एसबीआई का जो है इधर सिंबल नहीं डलता, इधर आपका एस्टिमेट टोकन डलता है, और एस्टिमेट टोकन आपको मिलता है इसके अंदर। तो मेरे को एसबीआई का एस्टिमेट टोकन पता है 3045, तो मैंने ये डाल दिया एनएससी, और क्वांटिटी 1 बाय करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर,
MIS प्राइस जनरेट कोड, तो इट्स मेन कि मेरा एक कोड जनरेट हो गया और मैंने ये सारी चीजें करी है। मेरे को पता ऑर्डर तो जाएगा नहीं, ऑर्डर रिजेक्ट होगा, लगेगा नहीं क्योंकि मार्केट बंद है, तो मैंने ये कॉपी करा। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे, और यहाँ जाने के बाद मैं बस एक हॉरिजेंटल लाइन डालूंगा और आप अपना इंडिकेटर डाल सकते हो। वेबुक यूआरएल मैंने पहले से डाल रखा है, जो भी वेबुक यूआरएल आप लास्ट में डालते हो वो आपको बाय डिफॉल्ट जितने भी आप न्यू अलर्ट्स बनाते हो उसके अंदर शो होता है। तो इधर के लिए मैं इधर इसे जो टैक्स है उसे रिमूव करूंगा, और इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एज अ रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ डेमो एंड इंटर मार के मैंने अपना सेंटेक्स डाल दिया। डेमो इसलिए लिखा है कि जिससे ये सेंटेक्स मुझे एज अ रेफरेंस में यहीं से अगर मैंने ज्यादा अलर्ट्स बना रखे हों, एक से ज्यादा हो, तो मुझे पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो अलर्ट्स है वो किस चीज का है। आप कोई भी इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे जो भी इंडिकेटर मिलते हैं और जिन पे आप अलर्ट्स लगा सकते हो, या आप हमारे इंडिकेटर यूज कर सकते हो, तो जो भी आपको अलर्ट्स लगाने आते हैं, जिन पे अलर्ट्स बन सकते हो, उन इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको एक बार अपना अकाउंट दिखा दूं। पहले मैं आपको इधर एक टैब लेके आ जाता हूं, इधर चलते हैं हम एलेक्स ब्लू के अकाउंट पे। तो सुबह से मैंने एक भी ऑर्डर नहीं लगाया। सॉरी, ये मेरा अकाउंट तो नहीं है, ये किसी और का अकाउंट है। सॉरी, हाँ, ये मेरा अकाउंट नहीं, किसी और का अकाउंट है, और इस पे 55 ऑर्डर लग गए, तो इन्होंने 55 ऑर्डर सुबह से लगाए होंगे, बट मैंने एक भी ऑर्डर नहीं लगाया। तो 55 ऑर्डर देख सकते हो। और दूसरा अकाउंट मैं अपना दिखा देता हूँ, दोनों अलग अलग ब्राउजर पे खोल रखे हैं मैंने। तो ये दूसरा अकाउंट मेरा है, और यहां पर गया मैं ऑर्डर के अंदर, और ऑर्डर के अंदर जीरो। तो इट्स मीन कि दोनों में कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब मैं एक टिगर कराऊंगा, मैंने कोड डाल रखा है खाली एक का, किसका डाल रखा है मैं आपको दिखा दूं। मैंने बोल रखा है कि एक SBI स्टॉक मैं बाय करना चाहता हूं मार्केट प्राइस पे। अब ये जैसे ही टिगर होगा दोनों के अंदर ऑर्डर लग जाएंगे। मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूं, मैं इसे जानबूझ के टिगर करा देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन को, जिससे अलर्ट्स आए। कोई भी अलर्ट्स आते हैं वो यहां पर आपको शो होते हैं, जैसे ये शो हुआ। उसके बाद मैं ऑर्डर में जाता हूं, और ऑर्डर में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं एक विंडो लेके आया जिसके अंदर 55 ऑर्डर थे, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर ये ऑर्डर लगा है, आप देख सकते हो SBI का ऑर्डर था एक क्वांटिटी में। टाइम लिखा हुआ है 9:24:44। एक ऑर्डर इस पे आ गया। दूसरा मैं दिखा देता हूँ अपनी दूसरी विंडो लाके, ये वाली विंडो, इसके अंदर एक ऑर्डर आया है, आप देख सकते हो 9:24:43। 1 सेकंड का फर्क है दोनों के अंदर, दोनों अकाउंट में मेरे ऑर्डर लग गए। उसके बाद अगर मैं अलर्ट्स का टाइम देखूं, तो अलर्ट्स जो अभी आया है बंद मार्केट के अंदर 9:24:39। इट्स बीन इन 4 से 5 सेकंड लिए दोनों अकाउंट में ऑर्डर लगने में। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि आपके ब्रोकर पे कितना ट्रैफिक है और कितनी एनहेंस उसकी API है, उस बेस पे ऑर्डर लगते हैं। हमारी तरफ से पूरा ऑप्टिमाइज है। अगर आपका ब्रोकर पूरा ऑप्टिमाइज है तो हम 1 सेकंड में ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर ही पूरा ऑप्टिमाइज नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैंने दोनों पे ऑर्डर लगा के दिखा दिए। इस तरीके से आप मल्टी ब्रोकर पे ऑर्डर लगा सकते हो। तो ये मैंने आपको किस पे दिखाया था, अभी उस पे दिखाया था एलेक्स ब्लू पे। अब आ जाते हैं हम जरोधा पे। तो मैं एक जरोधा के लिए लाइन बना लेता हूं, और इसको मैं कलर कर देता हूं पहले। दूसरा मैं आपके सामने एक लाइन ऐड करी, मैं अभी रिपीट कर रहा हूं। काफी लोग बोलते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलर्ट्स दिखाते हो, तो मैं रिपीट करना चाहता हूं। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको कोई इंडिकेटर लगा के उस पे दिखाऊं। इन फ्यूचर मैं इन पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम SBI ले लेते हैं। नहीं, इस मार्केट के अंदर एक पंगा और है कि बंद मार्केट में ऑर्डर नहीं लगेगा, तो मेरे को दूसरी टैब लेके आनी पड़ेगी। मैं 1 मिनट टैब लेके आया, मैं देखता हूँ मैंने टैब कहाँ खोल रखी है। तो हाँ, ये जी टैब, इसके अंदर मैं गया आपका, नहीं नहीं ये टैब नहीं है, मिल गई मेरे को टैब। और इसके अंदर मैं जरोधा अकाउंट पे जाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि जो मार्केट ओपन है उसके लिए मेरे को उसका सिंबल चाहिए होगा। तो मैं यहाँ क्रूड ऑयल जून डालता हूँ, क्रूड CRUDE, क्रूड ऑयल जून, ये मिल गया। इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं चार्ट ओपन करूंगा तो यहाँ से मेरे को ये सिंबल मिलेगा, मैंने सिंबल कॉपी कर लिया। और ऑर्डर बुक में मैं जाऊंगा तो आप देखोगे जीरो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब मैं इसे साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल डाल देता हूँ। MCX मार्केट के अंदर आता है, क्वांटिटी 1 लेना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस, MIS ऑर्डर है, जनरेट कोड। ये कोड जनरेट हो गया, अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाता हूँ, और मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने एक लाइन डाल रखी है इस पर, फिर ऑर्डर डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ डालता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जरोदा एज अ रेफरेंस। आप चाहो तो लिखो, या आप चाहो तो टाइप करो, आप चाहो तो नहीं टाइप करो। मैंने जरोदा एज अ रेफरेंस दिया, कोड डाला,
और इसके अंदर मैंने इसे सेव कर दिया। पहले सेंटेक्स बना रखा हमने कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर मेरे दो जरोधा अकाउंट है या मेरे पास दो बंदों के जरोधा अकाउंट है, एक के पास 100 स्टॉक का बैलेंस है और दूसरे के पास 50 स्टॉक का बैलेंस है, और मैंने इधर से 50 स्टॉक वाला कोड चलाया तो दूसरे का क्या होगा? तो दूसरे का भाई साहब ये होगा कि जिसके पास 50 स्टॉक का बैलेंस है उसका ऑर्डर तो लग जाएगा और दूसरे का रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बैलेंस को वो नहीं करता, जो क्वांटिटी आपने डाली है, जो भी आपने डाला वो सेम अमाउंट मतलब ऑर्डर आपके मल्टी अकाउंट में लग जाएगा, एक हो दो हो चार हो पांच हो, उससे मैटर नहीं करता। तो मैंने ये देखिए यहाँ जरोदा से एक बना ली और मैं इसे ट्रिगर कराने जा रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पास सेम अकाउंट, मैं दिखा देता हूँ, जो मेरे पास जो ये जरोधा का एक ही अकाउंट है, दूसरे बंदे का कोई अकाउंट नहीं है, तो मैंने दो बार एपीआई ऐड कर ली, इट्स मीन कि मेरा दो बार ऑर्डर जाना चाहिए। तो मैं दोबारा आया और मैं इसे ट्रिगर कराता हूँ, तो आपके सामने मैं इसे ट्रिगर करा रहा हूँ, आप यहाँ टाइम देख लेना, जब भी अलर्ट्स आएगा, ये आया 9:28:26 पे। अगर मैं जरोधा पे चलता हूँ तो मेरे यहाँ पर दो ऑर्डर आएंगे और ये दो ऑर्डर आ गए, आप देखोगे 9:29 पे आया ऑर्डर। ये एक मिनट, सॉरी, एक गलत चीज और हो गई मेरे साथ, मैंने विंडो अपडेट करी है और विंडो अपडेट करने के बाद मुझे पता चलता है कि जो मेरा ये टाइम है वो बिल्कुल गलत चल रहा है, मेरे को अभी ध्यान आया। और विंडो अपडेट करिए, विंडो इंस्टॉल करिए, तो जो भी मैंने अभी तक टाइम बताया अपने पीसी का वो बिल्कुल गलत चल रहा है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ अपने फोन से, तो मेरे फोन के अंदर जो टाइम चल रहा है, हाँ ये काफी लेट चल रहा है, ये बिल्कुल गलत टाइम चल रहा है मेरे इसके अंदर, तो इस चीज को भूल जाइए अभी के लिए। ये देख लीजिए टाइम वगैरह, आप खुद चेक कर लीजिएगा, ये दो ऑर्डर आ गए। तो इस तरीके से आपके मल्टी अकाउंट मतलब सेम ब्रोकर के ऑर्डर आपके सिंगल एड्रेस में दो जगह चले गए। उसी तरीके से अब आ जाते हैं, हम इसको हटाते हैं, अब एक बार फायर्स का भी देख लेते हैं। तो हम फायर्स के लिए एक लाइन ऐड करते हैं दोबारा से, इसका कलर कर देते हैं कुछ और, मैं आपके लिए अलग अलग कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले। सेंटेक्स पे जाते हैं, सेंटेक्स से पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर रिजेक्ट कराएंगे। आपको जैसे पता होगा फायर्स के अंदर जो ऑर्डर लगता है वो वहां से सिंबल कॉपी करना होता है, तो मैं यहाँ गया, मैंने क्रूड डाला और यहाँ से एक ऑर्डर वो करवाऊंगा मैं, किसके अंदर आता है क्रूड, हाँ ये आ गया जून, इसके अंदर एक ऑर्डर रिजेक्ट करा लेता हूँ। तो मार्केट के अंदर बाय करता हूँ, मेरे पास फंड तो है नहीं, वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर में गया, ये ऑर्डर आप मेरा देख सकते हो रिजेक्ट हो गया। मैंने इस सिंबल को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद दोबारा से अब मैं इधर गया सेंटेक्स पेज पे और जनरेट करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा अपने ब्रोकर पे, फायर्स पे क्लिक करा मैंने, रेगुलर ऑर्डर, यहाँ सिंबल डाला जिसमें ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, एमसीएक्स के अंदर ये ऑर्डर आता है, एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर करना चाहता हूँ, इंट्राडे जनरेट। अभी जो भी ऑर्डर मेरे रिजेक्ट हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, मेरे पास फंड नहीं है, अगर फंड होता तो ये चीज़ें बाय हो जाती। मैंने ये फायर्स का ऑर्डर जनरेट कर लिया और सेम फिर से मैं वही बोलना चाहूंगा कि मैंने ये एपीआई भी दो जगह ऐड कर रखी, एक ही एपीआई को दो बार ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पास दूसरा अकाउंट नहीं था। तो फिर मैं एक डेमो दिखा देता हूं आपको, इस पे गया और राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट्स करा और ये हमारा पहले से ऐड है, इसे कहते हैं वेबुक यूआरएल पहले से ऐड है। इधर मैंने फायर्स लिखा एज अ रेफरेंस और इंटर मारा, कोड को मैंने डाल दिया, कोड को डालने के बाद क्रिएट करा तो आपको यहाँ तीसरा अलर्ट दिखेगा। अच्छा, ग्रीन का मतलब होता है एक्टिवेट, रेड का मतलब होता है जो आपने मैन्युअली ऑफ करे होते हैं, और ऑरेंज का मतलब होता है कि आपने ओनली वंस कमांड चलाई थी जो ऑटोमेटिक ऑफ हो गई, स्टॉप हो गई है। तो ये ऑरेंज दोनों इसलिए हुए कि जो मैं अलर्ट्स बना रहा हूँ ओनली वन टाइम बना रहा हूँ, तो इसलिए ऑरेंज है, और ग्रीन मतलब एक्टिवेट है। अगर आपको लगता है कि आपको अब ट्रेड नहीं करनी तो आप इस पर क्लिक करोगे, जितने भी अलर्ट्स हैं उनको ऑफ करने के लिए ऑल स्टॉप कर सकते हो। आप मैनुअल करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके स्टॉप कर सकते हो। तो इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बाद में बना दूंगा, अभी के लिए मैं ऑर्डर ट्रिगर कराता हूँ। और टाइमिंग का मैंने बता दिया, मेरे पीसी का टाइम अभी गलत चल रहा है, तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अगर हम इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद आप देखोगे अभी भी एक ही ऑर्डर है, यहाँ पर तीन ऑर्डर होने चाहिए। तो फायर्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, जो भी रिजेक्ट ऑर्डर होते हैं मोस्ट उन पे है ना, रिजेक्ट बैकएंड में तो हो गए पर वो आपको जब दिखेंगे जब आप इस पर क्लिक करोगे। मैंने इस पर क्लिक करा, एक शो हुआ, दोबारा क्लिक करा तो दूसरा शो नहीं हो रहा। इट्स बिन क्या है कि मैंने ये फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ, तो आई थिंक इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हम मल्टी ऑर्डर जो है सेम एपीआई से नहीं लगा सकते, मतलब पिछला टोकन हमारा एक्सपायर हो जाता है। मैंने एक ट्राई करा था, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं करा, पर आपके पास दो डिफरेंट एपीआई है, मेरे पास तो एक ही डिफरेंट एपीआई थी, मतलब एक ही मेरे अकाउंट की एपीआई थी। अगर आपके पास दो लोगों के अकाउंट के आईडी है, दो डिफरेंट अकाउंट की एपीआई है, तो आपके यहाँ पर भी दो ऑर्डर शो होंगे। अभी इसलिए शो नहीं हुए क्योंकि जो मैंने एपीआई कनेक्ट करी थी वो इधर काम नहीं कर रही, वो पिछले सेशन को डीएक्टिवेट कर देती है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ,
इसे बंद कर देता हूँ। मैंने वीडियो बना ली 14 मिनट की और इसको आप देख लेना। अगर आप मल्टी ऑर्डर में, आपके पास मल्टी अकाउंट है, मल्टी अकाउंट मैनेज करना चाहते हो, या आपके पास मल्टी एपीआई है, तो आप ऑर्डर लगा सकते हो। उसके साथ एक चीज और बोल दूं, इससे पहले भी हम यही चीज कर रहे थे कि आप 5 डिफरेंट ब्रोकर पे एक साथ ऑर्डर लगा सकते हो, पर 5ों की जो सेंटेक्स होते हैं उनको आपको मैच करना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।